हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में NIOS क्लास 10 इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज जिसका कोड है 2 to 3, उसका हम रिड्यूस सिलेबस देखेंगे। मतलब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसमें। तो जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट जो मॉड्यूल है कल्चर, कल्चर में सेकंड चैप्टर जो है नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है कल्चर एंड इंट्रोडक्शन वो पढ़ना है, ठीक है। आपको पता है कि टोटल जो है 21 चैप्टर्स हैं इसमें, जिसमें से 9 चैप्टर्स कट गए जो कि TMA में आए थे। आपको अब नहीं पढ़ना ये 60%, जो कि नंबर ऑफ 12 12 चैप्टर हैं जो पढ़ने हैं। सेकंड मॉड्यूल की बात करें तो थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ फिफ्थ आएगा। थर्ड मॉड्यूल की बात करें तो सिक्स नहीं आएगा, सेवन आएगा। फोर्थ मॉड्यूल में एट्थ और नाइन्थ नहीं आएगा, टेंथ जो है आएगा। फिफ्थ मॉड्यूल में 13 नहीं आएगा, इलेवंथ और ट्वेल्थ जो है आएंगे। सिक्स मॉड्यूल में 14 15 कट गया, 16 17 जो है आएगा। सेवन्थ मॉड्यूल में एक चैप्टर है एजुकेशन ऑफ इंडिया, वो है आएगा। एट जो है सोशल स्ट्रक्चर, उसमें 28 चैप्टर नहीं आएगा, 19 चैप्टर जो है आएगा। लास्ट जो मॉड्यूल है स्पीड ऑफ इंडियन कल्चर अब्रॉड, वो 21 जो चैप्टर है वो आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बनेंगे, उसके बाद एक सैम्पल पेपर देखेंगे हम। क्वेश्चन पेपर डिजाइन की बात करें यहाँ पर, तो आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। 3 आवर्स का पेपर है सेकेंडरी। वेटेज और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है 30 आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पे 50 है, एप्लीकेशन पे 20 है, ठीक है। चलिए उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन मेन जो आपको समझना है वो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो MCQs है वो 20 MCQs आएंगे। वैसे भी NIOS ने इस बार क्या किया है कि जितने नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें 20 जो है MCQs दिए हैं, ठीक है। अब 20 में से 10+10 डिवाइडेड, कैसे 10+10 का कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। MCQ जो एक नंबर का होता है तो 20 मार्क्स का MCQ आएगा। उसके बाद एक नया पैटर्न आया कि जितने भी क्वेश्चन है इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके दिए। MCQs 20 के बाद भी इन्होंने 15 क्वेश्चन अलग से दिए हैं जिसमें ऑप्शन होंगे, मतलब ए पार्ट एंड बी पार्ट दो करने हैं, दो दो नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 30 नंबर का ये होगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर 5 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर 5 क्वेश्चन, लॉन्ग जो है 5 क्वेश्चन, मतलब तीनों 5-5 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है VSA 2 नंबर का होता है, शॉर्ट जो है वो 3 नंबर का और लॉन्ग जो है 5 नंबर का होता है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है वो भी मैं बता दूंगा कैसे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। मॉड्यूल वाइज देखें तो फर्स्ट मॉड्यूल जो है 10 मार्क्स का है, सेकंड मॉड्यूल 15 का है, और थर्ड मॉड्यूल जो है 10 मार्क्स का, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। फोर्थ जो है आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 का है, फिफ्थ जो है 12 का है, सिक्स जो है 10 का, सेवन्थ 11 का, एट 10 का, और नाइन जो है 10 का है। परसेंटेज की बात करें तो जो इजी क्वेश्चन है, जैसा कि हर एक पेपर में है, इस बार 33% जो है इजी क्वेश्चन आएंगे, और डिफिकल्ट की बात करें तो 15 जो है ऐसे आएंगे। अब एक सैंपल पर देखते हैं हम, ठीक है। सैंपल पर मैं आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन आया है। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इस बार इन्होंने क्या किया है कि जैसे 20 MCQs हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दो पार्ट में कैसे डिवाइड है, 10+10। अब ये 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, मतलब 4 ऑप्शंस तो होंगे इसके इंडिविजुअल, लेकिन क्वेश्चंस वही सेम रहेगा, करना ही पड़ेगा। इसमें क्या दो क्वेश्चन दे देंगे और करके, ठीक है, 10 वो करो या 10 ये करो, कैसे है देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें दो क्वेश्चन यहाँ पर है, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फीचर। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपको पता है, यहाँ पर बी है, ठीक है, ए और बी ऑप्शन है, आपको कोई एक करना है इसमें से, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक, ए और बी दिया है, लेकिन आगे आप चलोगे, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कोई ऑप्शंस नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, सेकंड वाला, थर्ड वाले में देखिए इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आपको ए बी सी डी है ना, 4 दिए हैं, इसमें कोई 3 करना है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ में भी 2 ऑप्शन है, कोई एक करना है आपने। सिक्स क्वेश्चन जो है इसमें भी कोई एक करना है, ए और बी दो क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन में भी कोई एक करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन में भी ऑप्शन है ए और बी करना है, नाइन्थ में भी ए और बी है, टेंथ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको कोई एक करना है, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन होने के बाद अब देखिए इलेवंथ क्वेश्चन आ गया, इलेवंथ क्वेश्चन में भी क्या बोला, ऑप्शन दिया है कि कोई एक करना है यहाँ पर। ट्वेल्थ क्वेश्चन में कोई जो है यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ट्वेल्थ का ट्वेल्थ एक ही करना है आपने। थर्टीन में भी कोई एक ही करना है, ठीक है। अब देखिए सारे, अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है नहीं मिलेगा आपको, मतलब वो क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, 19 20 ये 20 क्वेश्चन है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, ठीक है, दोनों क्वेश्चन करने के एक नंबर का, ट्रू फॉल्स करना है आपको, ठीक है। उसके बाद 22 23 यहाँ फिलअप्स भी है, मैच द फॉलोइंग भी है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो है इस बार आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से दो दो नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, 31st आपका ट्रू फॉल्स है, 35 हो गया आपका यहाँ पर। चलिए अब जो नेक्स्ट आपका मॉड्यूल स्टार्ट हो गया, सेक्शन स्टार्ट हो गया, इसमें आपको 36 से 40 तक जो क्वेश्चन है 25 वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, हर एक मॉड्यूल में इन्होंने 50% जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो कि 36 में ऑप्शन है, 37 में ऑप्शन है, 38 में ऑप्शन है, उसके बाद 39 40 में ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डी की बात करें है ना, तो डी में भी जो है 41 से 45 क्वेश्चन है जिसमें 42 50 वर्ड्स लिखने हैं 3 मार्क्स का। यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन है कितने में, 41 42 43, 3 क्वेश्चन में ऑप्शन है, ठीक है, बाकी दो में नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 46 और 55 क्वेश्चन जो है 152 200 वर्ड्स में लिखना है 5 मार्क्स का। उसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले 46 47
एंड 48 में जो है ऑप्शन, ठीक है ये है आपके, ठीक है। अब इसके आंसर्स भी देख सकते हैं आप यहाँ से, आपने जो भी सॉल्व किया होगा आप मैच कर सकते हो इसको। ये और ऑप्शन वाला है 47 है ये। ये 48 है, 49 और ये लास्ट 50 का आंसर है।